हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कहा था कि जो एमीन्स का बेसिसिटी है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा फैक्टर है सॉल्वेशन, नेक्स्ट फैक्टर है आपका स्टेरिक इफेक्ट, और दो फैक्टर जिसका कि आज हम लोग स्टडी करेंगे, रेजोनेंस एंड हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। तो तीन फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में रेजोनेंस एंड हाइब्रिडाइजेशन को चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एरोमेटिक एमीन्स, एनिलिन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स आर वीकर बेसिस दैन सिंपल एलिफैटिक एमीन्स। तो जो एरोमेटिक एमीन्स होता है, एरोमेटिक एमीन्स क्या होता है, एनिलीन चाहे तो उसका डेरिवेटिव, एनिलीन क्या हो गया, बेंजीन रिंग में अगर आप एक NH2 ग्रुप लगा दीजिएगा तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग एनिलीन बोलते हैं, और इसका डेरिवेटिव यानी कि बेंजीन रिंग में किसी भी पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दीजिए, जैसे कि इसके पारा पोजिशन पे आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक एमीन्स। तो कैसा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एरोमेटिक एमीन्स का, ये जो है आपका वो है एरोमेटिक एमीन। इसी तरीके से आपका एलिफैटिक एमीन हो सकता है, जैसे CH3, CH2, NH2, ये एग्जाम्पल हो गया एक एलिफैटिक एमीन का। सिमिलरली आपका रिंग में भी हो सकता है, 6 मेंबर का रिंग है और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दीजिए, तो ए एलिफैटिक एमीन्स है। तो ए बेसिकली एग्जाम्पल है एलिफैटिक एमीन का। तो रूल ए है कि जो एलिफैटिक एमीन होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, यानी हम कहें कि ये स्ट्रोंगर बेस है, स्ट्रोंगर बेस। और जो एरोमेटिक एमीन्स होता है वो बीकर बेस होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये बीकर बेस है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या रीज़न है कि एरोमेटिक एमीन जो है वो बीकर बेस होते हैं। तो इसको हम लोग रेजोनेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एनिलीन दिया हुआ, जैसा कि अभी हमने कहा कि इस मॉलिक्यूल को एनिलीन कहते हैं, तो एनिलीन में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, बेसिकली बेसिसिटी में आप कर क्या रहे हैं, लोन पेयर ही हाइड्रोजन को H+ को डोनेट हो रहा, यानी ये लोन पेयर जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उतना ही अच्छा बेसिक, अगर लोन पेयर कम अवेलेबल है तो लेस बेसिक। यानी अगर एरोमेटिक एमीन्स लेस बेसिक है, इसका मतलब ही हुआ कि लोन पेयर कहीं ना कहीं जा करके लोकलाइज हो रहा, और इस केस में ये जो डीलोकलाइजेशन है वो रेजोनेंस के कारण होता है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हैं, इस लोन पेयर को यहाँ लेके बॉन्ड बना दीजिए और इस बॉन्ड पेयर को यहाँ लेके लोन पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर साइड में एक लोन पेयर आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज निगेटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ लोन पेयर ख़त्म हो गया, इसीलिए इस नाइट्रोजन पे एक फॉर्मल चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना सकते हैं, इस लोन पेयर को यहाँ बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए और इस बॉन्ड पेयर को एक बार फिर से आप लोन पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ऐसा कीजिएगा तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ एक लोन पेयर है यानी फॉर्मल चार्ज, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है और नाइट्रोजन के पास एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे मूव करिए, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट करिए, तो आपको जो है यहाँ एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा, यहाँ लोन पेयर यानी फॉर्मल चार्ज, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज जो कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा। फाइनली एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस लोन पेयर को यहाँ ले जाइए और इस बॉन्ड पेयर को यहाँ ले जाइए। तो अगर ऐसा कीजिएगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर आ चुका है, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और इस केस में
यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो देखिए जो पहला स्ट्रक्चर है इसको मान लीजिए हम लोग करते हैं पहला, दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। पहला और पांचवा डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक केस में जो डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पे है, बट दूसरे केस में डबल बॉन्ड जो है इस पोजीशन पे, यानी कहिए कि बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है, इसीलिए इस केस में आपको कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा, आपको मिल रहा है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, यानी कि जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहा है, इसीलिए एमीन का बेसिसिटी कम होगा। बट एलिफैटिक एमीन्स में ऐसा कोई भी रेजोनेंस नहीं हो सकता है, इसीलिए उसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा। इसी बात को हम लोग कंजुगेट एसिड को कंपेयर करके भी समझ सकते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई रिएक्शन है RNH2, यानी यहाँ पे आपके पास बेस है, अगर ये बेस किसी एसिड से रिएक्ट कर रहा H3O+ के साथ, तो ये बनाएगा RNH3+ और यहाँ पे H2O रिलीज हो जाएगा। यहाँ इधर साइड में एसिड है, अब जो इधर बेस है इधर करस्पॉन्डिंग जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेट एसिड। एक कंजुगेट एसिड है, उसी तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। तो देखिए हम लोगों ने कहा था कि अगर इसका बेसिसिटी ऑर्डर देखना है तो आप इसके कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी देख लीजिए। अगर कंजुगेट एसिड स्टेबल है, यानी कि ये जो रिएक्शन ज़्यादा राइट साइड में जाएगा और कम जो है लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ेगा। ये रूल हमने पहले भी आपको बताया था। ये रूल क्या है, कंजुगेट एसिड इसका अगर अस्टेबिलिटी बढ़ा, अस्टेबिलिटी इसका अस्टेबिलिटी अगर बढ़ेगा तो बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी जो है बढ़ जाएगा, बेसिसिटी जो है बढ़ जाएगा। और इसका उल्टा भी सही है, अगर कंजुगेट एसिड जो है अस्टेबलाइज नहीं हुआ तो उसका बेसिसिटी क्या है, घट जाएगा। तो इसी बात को हम लोग एमीन में अप्लाई करते हैं। जैसे आपका ये एमीन है एरोमेटिक एमीन, तो एरोमेटिक एमीन का अगर आप किसी एसिड से रिएक्शन करिएगा तो ये जाकर के आपको कंजुगेट, चूंकि एमीन बेस है तो करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बनेगा, तो यहाँ पे हो गया NH3+ और एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, मगर यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यानी रिएक्टेंट तो स्टेबलाइज हो रहा है मगर जो कंजुगेट एसिड है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा, इसीलिए हम कहेंगे कि इसका बेसिसिटी घट जाएगा। यानी कि हमने क्या कहा, ये स्टेबलाइज जो है नहीं हो रहा, ये नो स्टेबलाइजेशन, नो स्टेबलाइजेशन किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। यहाँ पे यस, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो रहा, यस स्टेबलाइजेशन, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो रहा है इसीलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी रिएक्शन आप कहिए थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा, इसीलिए इसका जो बेसिसिटी है घट जाएगा। आप चाहे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से भी कंपेयर कर सकते हैं। इस डायग्राम में पहले हम लोग एलिफैटिक एमीन का केस को शो करेंगे। एलिफैटिक एमीन का रिएक्शन क्या होगा, वहां पर रिएक्शन हो जाएगा RNH2+H3O+, ये बनाएगा आपका RNH3+, RNH3+ और H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो हम लोग बाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी बना रहे हैं और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी कि रिएक्शन प्रोग्रेस, एक्स एक्सिस पे आपका रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ बना रहे हैं।
और पहले हम लोग एलिफैटिक का केस बनाएंगे, यानी जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा मगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो एलिफैटिक का केस बनाइएगा अगर आप, तो यहाँ पे आपका है RNH2 और H3O+, ये आपका स्पेसिस जो रिएक्टेंट साइड है। और फाइनली क्या हो गया आपका जो फाइनल है, चूंकि ये रिएक्शन लेफ्ट साइड में मेनली रहता है, यानी जो बाद में प्रोडक्ट बनेगा उसका एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ पे एनर्जी इसको ज़्यादा करके दिखाया RNH3+ H2O। ये रिएक्शन जो है कुछ इस तरीके से इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हो जाएगा, तो यहाँ से चल करके ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए अगर इसी डायग्राम में हम एरोमेटिक का कंपेयर करते हैं, तो एरोमेटिक में क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, यानी एरोमेटिक का जो रिएक्टेंट होगा वो नीचे होगा। तो ये आपका हो गया जैसे कि एनिलीन NH2, क्योंकि लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, इसीलिए रिएक्टेंट का एनर्जी जो है कम है, मगर प्रोडक्ट में कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, यानी प्रोडक्ट का एनर्जी जो है ऑलमोस्ट सेम ही होगा। यानी इस केस में हम जो प्रोडक्ट बनेगा इसको लिख सकते हैं NH3+, इसको यहाँ पे हम लोग शो कर सकते हैं NH3+ NH3+ plus H2O। तो इस केस में जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम यानी प्रोडक्ट के साइड एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, बट रिएक्टेंट के साइड काफ़ी एनर्जी का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस का रीज़न क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। सो ये डिफरेंस क्यों आया, ये आया डिफरेंस रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस के कारण जो रिएक्टेंट है वो स्टेबलाइज हो गया, यानी कि इसी कारण से जो एरोमेटिक एमीन्स है वो आपका वीक बेस होगा, क्योंकि वो रिएक्टेंट के साथ रहना चाहेगा, रिएक्टेंट के साथ एनर्जी कम है। यहाँ पे हम लोग एक दो प्रॉब्लम लेते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मोलिक्यूल है, इस मोलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं पायरोल, ए मोलिक्यूल जिसका क्या स्ट्रक्चर हमने बनाया, इस मोलिक्यूल को बोलते हैं पायरोल। ए मोलिक्यूल वेरी लेस बेसिक, क्या रीजन हो सकता है इसका, आपको बताना है वेरी लेस बेसिक। रीजन बड़ा ऑब्वियस है, ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, या दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ जो नाइट्रोजन पुल लोन पेयर जो है इस रिंग को एरोमेटिक बनाने में काम में आ रहा, यानी ये रेजोनेंस में है, साथ ही साथ 6π इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब ए नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी लोन पेयर जो है रेजोनेंस में है, इसलिए अटैक के लिए अवेलेबल नहीं है। इसको दूसरे डायमेंशन से भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसा कि हमने कहा कि कंजुगेट एसिड अगर स्टेबलाइज नहीं हो रहा है इसका मतलब बीकर बेस होगा। तो जैसे कि ये पायरोल का मोलिक्यूल है आपके पास, तो ए मोलिक्यूल आपके पास पायरोल का दिया हुआ, इसको किसी एसिड से रिएक्ट कर दीजिए, और इसका कंजुगेट एसिड अगर आप बनाइएगा, यहाँ पे हम लोग इसका कंजुगेट एसिड बना लेते हैं, तो देखिए क्या क्या घटा हुआ आपको, क्या क्या लॉस हुआ। पहला तो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, ये जो कंपाउंड है नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6π इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इधर एरोमेटिक था और दूसरे साइड में एरोमेटिक नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन क्यों जाना चाहेगा राइट साइड में, यानी रिएक्टेंट जो है अपने बिना पॉजिटिव चार्ज को लिए ही, यानी बिना H+ को लिए ही हैप्पी रहेगा, इसलिए ये जो कंपाउंड है वेरी लेस बेसिक, सो बीकर बेस वेरी वीक बेस, तो ये जो है बीकर बेस होगा। रीजन ये हुआ कि इस केस में एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाता है अगर ये H+ को ले, इसलिए H+ को लेना ये प्रिफर नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर, इसमें आपको दिया हुआ NH3
और एक एनिलीन दे दिया, NH2 लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, एनिलीन है आपके पास, और एक मॉलिक्यूल है C2H5NH, और जो तीसरा मॉलिक्यूल है या कहिए चौथा मॉलिक्यूल है C2H5NH2। इसका बेसिसिटी का ऑर्डर आपको बताना है, यहाँ पे दो है। तो बेसिकली आप देखिए, इसको कह लेते हैं 1, 2, 3, 4। एक तो एरोमेटिक है, तो सबसे पहले सबसे कम बेसिक कौन होगा ये बताइए। सबसे कम तो हो जाएगा एरोमेटिक, क्योंकि इस केस में रेजोनेंस है, तो ए लिस्ट बेसिक है, ए लिस्ट बेसिक है, लिस्ट बेसिक। अब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, यानी एरोमेटिक एलिफैटिक में तो हमने कंपेयर कर लिया, ये सब जो है एलिफैटिक है और यहाँ पे अमोनिया है, तो हमने एक चीज तो कंपेयर कर लिया कि एरोमेटिक जो है वो सबसे कम होगा। और आपको याद होगा पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में हमने कहा था कि अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, इवन प्राइमरी सेकेंडरी से भी। रीज़न क्या था? रीज़न था कि इसका जो है सोल्वेशन काफ़ी ही अच्छा होता है, तो ये मैक्सिमम बेसिक है, यानी मोस्ट बेसिक। अमोनिया जो है आपका मोस्ट बेसिक है। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कौन ज़्यादा बेसिक होता था, आप याद करिए, सेकेंडरी को सोल्वेशन का फैक्टर भी बीच में था और इंडक्टिव का फैक्टर भी बीच में था, यानी सेकेंडरी जो है सबसे ज़्यादा होता था सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्राइमरी के बीच में। तो इस केस में ये जो एमीन है 2 डिग्री का एमीन है, और ये जो एमीन है प्राइमरी एमीन है 1 डिग्री का एमीन है, यानी इस दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, इस दोनों में सेकेंडरी जो है ज़्यादा बेसिक होगा। यानी ऑर्डर क्या हो गया, मोस्ट बेसिक हो गया। लिस्ट से स्टार्ट करते हैं तो, या ओके लिस्ट से कर सकते हैं, तो दूसरा सबसे कम है और सबसे ज़्यादा कौन है, पहला है, और सबसे ज़्यादा पहला है और दूसरे से ज़्यादा कौन होगा, दूसरा हो गया और पहला यहाँ हो गया, तो यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा, तो पहले से कम जो है वो तीसरा वाला है, यानी 2 डिग्री, और आपका बचा ये फोर्थ वाला। तो यही आपका बेसिसिटी का ऑर्डर है। आइडिया सिंपल है, आपको सबसे ज़्यादा बेसिक अमोनिया है, सॉल्वेशन का फैक्टर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, एरोमेटिक एलिफैटिक में एरोमेटिक होगा, एलिफैटिक में अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है तो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होता है, और प्राइमरी एंड टर्सरी के केस में ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप है, आइदर इथाइल है मिथाइल है, बट इस केस में प्राइमरी और सेकेंडरी, बेसिकली टर्सरी और प्राइमरी का कंपैरिजन ही नहीं है, आपको केवल एक प्राइमरी दिया हुआ है, तो एक काफ़ी ही आसान हो गया, सेकेंडरी पहले आएगा उसके बाद में जो है प्राइमरी आएगा। तो ये तो हुआ रेजोनेंस का इफेक्ट, जो कि बेसिसिटी को बेसिकली घटाता है या बढ़ाता है। दूसरा इफेक्ट है हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट। अगर किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन यानी न्यूक्लियस के क्लोज है ऑर्बिटल, sp3 यानी न्यूक्लियस से दूर है ऑर्बिटल, जितना क्लोज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, जितना दूर होगा यानी न्यूक्लियस से दूर होगा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा देने के लिए। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, 6 मेंबर का रिंग है, और यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे एक लोन पेयर आपको दिया हुआ है, और दूसरा कंपाउंड जो है वो ए है, 6 मेंबर का रिंग इस केस में भी है, और इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। आपको ये बताना है कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो देखिए, इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बता सकते हैं। यहाँ जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, क्योंकि 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी कि ये जो लोन पेयर है sp2 ऑर्बिटल में है, यानी न्यूक्लियस के क्लोज है। sp2 मतलब कितना s कैरेक्टर, 33% s कैरेक्टर, और sp3 मतलब कितना s कैरेक्टर, 25% s कैरेक्टर, यानी sp3 100/4 करिएगा तो 25 आएगा, और इस केस में 100/3 करिएगा तो 33 अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो ज़्यादा s कैरेक्टर है, यानी ये जो लोन पेयर है न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, यानी नाइट्रोजन इसको ज़्यादा खींचे हुए है, यानी
डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, यानी ये वीक बेस हो जाएगा, ये वीक बेस हो जाएगा, और ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस किसके बेसिस पे, हमने एक कंपैरिजन किया हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये एग्जांपल है पायरोल एंड पिरिडीन का। इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं पायरोल। यहां एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो है पिरिडीन। सिक्स मेंबर का रिंग होता है ये, यहां पे एक लोन पेयर है। आपको इसमें बताना है कि कौन ज्यादा बेसिक होगा, विच इज मोर बेसिक। देखिए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें लगा हुआ है चार ग्रुप है, तो लगता है कि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है और कहिए इस कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने में काम में आ रहा है। यानी इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, मगर इसका लोन पेयर डीलोकलाइज है, मगर इसका लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, यानी ये जो कंपाउंड है ज़्यादा बेसिक होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं मोर बेसिक, मोर बेसिक। इसी तरीके से जो नाइट्राइल होते हैं, यहाँ पे एक रिजल्ट हम लिख रहे हैं, नाइट्राइल मतलब RCN, इसका जो लोन पेयर है वो भी काफ़ी ही कम अवेलेबल होता है अटैक के लिए, यानी हम कहेंगे ये जो कंपाउंड है नाइट्राइल्स आर वेरी वीक बेस, वेरी वीकली बेसिक। सो इस केस में ये भी जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अवेलेबल नहीं है अटैक के लिए, यानी ये वीक बेस है। क्या रीज़न होगा, इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन 50% s कैरेक्टर, इसका मतलब ये जो लोन पेयर है काफ़ी ही न्यूक्लियस के पास है। इसीलिए जनरली अगर आपको नाइट्राइल को प्रोटोनेट करना होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज पड़ता है, यानी आप नाइट्राइल को प्रोटोनेट करना चाहते हैं तो कोई मिनरल एसिड लीजिए, जैसे कि HCl, HBr, क्योंकि ये जो नाइट्राइल है खुद ही वीक बेस है, तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए इसको प्रोटोनेट करने के लिए, यानी इसका जो है प्रोटोनेट करिएगा तो आपको जो एसिड चाहिए इस केस में वो स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, क्योंकि ये जो बेस है वो वीक है, करस्पॉन्डिंग एसिड को स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो नाइट्राइल का रिएक्शन हम लोग करते हैं तो जो मिनरल लेते हैं, मिनरल एसिड लेते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, मिनरल एसिड लेते हैं, सिंपल एसिड से आप इस रिएक्शन को नहीं कर सकते। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, और इस केस में आपको तीन कंपाउंड दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। NH2 है, यहाँ NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं लगा हुआ, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ, यानी एनिलीन का डेरिवेटिव है, तीन कंपाउंड आपको दिया हुआ, किस केस में सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगा। लोन पेयर तो देखिए सभी के केस में रेजोनेंस में है, मगर यहाँ जो NO2 ग्रुप है वो माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन को ले रहा, और CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहा, यानी इसका बेसिसिटी बढ़ जाएगा। एनिलीन को अगर बीच में कहिए तो ये जो है कंपाउंड एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होगा, और एक कंपाउंड एनिलीन से कम बेसिक होगा, यानी कहें इसको 1 कहें, 2 कहें, इसको 3 कहें, तो जो आपका 3 है वो सबसे ज़्यादा बेसिक, यानी 3 जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, 3 के बाद आपका 2 आएगा, और 2 के बाद 1 आएगा, 1 सबसे कम बेसिक है, क्योंकि वहां पे NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिसिटी को दो फैक्टर जो रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है। तो आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप रेजोनेंस देखिए, हाइब्रिडाइजेशन देखिए, एरोमेटिसिटी देखिए, और
कंपाउंड के एमीन के कंपाउंड के बेसिसिटी को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमीन के बेसिसिटी का कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।